नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो जो चाहे जब चाहे बिंदास होकर कर सकती है, बेखौफ होकर कर सकती है। देश की एक सेकुलर और लिबरल पार्टी है कांग्रेस। सेकुलर पार्टियां तो ऐसी ही होती हैं, इन्हें राष्ट्र और राष्ट्रहित कहां समझ में आता है। इसी के चलते तो कांग्रेस भी अब कश्मीर के नए नवेले 7 दलों के कोप भवन में घुस गई है। कोप भवन इसलिए कि इसमें सबकी सब पार्टियां वही हैं जो अनुच्छेद 370 के हटने पर अब तक आंसू बहा रही हैं। और जब सबका एजेंडा एक जैसा हो, सोच एक जैसी हो, विचारधारा अव्वल तो है ही नहीं, और जो बची खुची है उसके नाम पर किसी भी राष्ट्र विरोधी अलायंस में शामिल होने से फर्क ही क्या पड़ता है। देखिए, सेकुलर होने का फायदा यह है कि इसकी परिभाषा अपनी सहूलियत के हिसाब से आसानी से बदली जा सकती है। खैर, ये बताइए कि इस गुपकार गैंग में, मेरा मतलब गठबंधन में, कौन कौन सी पार्टी शामिल है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की PDP, CPIM, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, JKPM और ANC, यही पार्टियां ही तो हैं इस गठबंधन में। फारूक अब्दुल्ला क्या बेचते हैं और महबूबा मुफ्ती क्या करती है, क्या ये सबको पता नहीं है? इन बेचारों की तो राजनीतिक दुकानें ही बंद हो गई हैं। अब इनके थैले में कोई एजेंडा या मुद्दा बाकी बचा ही नहीं है। ये बेचारे कश्मीर में अब वोट भी मांगेंगे तो जनता के बीच किस मुद्दे को बेचेंगे? अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी दिन तक एकांतवास में रहने के बाद भी फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। रही बात कांग्रेस की, तो उसके नेता जो बाहर ही खुले में घूम रहे थे, वो क्या अनुच्छेद 370 के पक्ष में बांसुरी बजा रहे थे? अरे, ये सब भी तो अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ ही रो पीट रहे थे। अब ये कोई देश हित का काम तो कर नहीं रहे थे। याद कर लीजिए, लोकसभा में अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए हुई बहस के दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या फरमाया था। उन्होंने तो इस मामले की UN मॉनिटरिंग तक का तर्क दे डाला था। उन्हें तो ये भारत का अंदरूनी मामला लग ही नहीं रहा था, बल्कि उनके हिसाब से तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलेटरल इशू था और इसे हाथ लगाकर मोदी सरकार ने बड़ा गुनाह कर दिया था। ये कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं, तो क्या उनकी ये बातें राष्ट्रहित से जुड़ी थी? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को ही देख लीजिए, वो तो कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बहस के दौरान राज्यसभा में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमने आर्टिकल 370 द्वारा हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर दिया और मोदी सरकार ने आज उसी संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और वो किस तरह से इस मसले पर अपनी बात रखते हुए भड़क गए थे, क्या ये भुलाया जा सकता है? उनके तेवर से साफ था कि वो किस कदर गुस्से में थे। उसी वक्त ये साफ हो गया था कि अगर भविष्य में आर्टिकल 370 के पक्ष में कोई मुहिम चलती है तो कांग्रेस उसमें जरूर शामिल होगी। अब जब बेचारे फारूक अब्दुल्ला ने चीन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली का राग अलापना शुरू किया है, तो कांग्रेस पीछे कैसे रह सकती है? उनकी तो चीन से पुरानी रिश्तेदारी है, बहुत पुरानी, नेहरू के जमाने से ही ये रिश्तेदारी चली आ रही है। और कांग्रेस के पूर्व प्रॉक्सी और भावी अध्यक्ष ने 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो MOU साइन किया था, वो भी तो कांग्रेस और चीन के पुराने याराने पर मोहर लगाता है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगा कि जिस डगर पर चलने की वकालत अब फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, ये बात उनके जहन में पहले क्यों नहीं आई? चीन जब आर्टिकल 370 के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला की मदद कर सकता है, तो वो कांग्रेस की मदद क्यों नहीं कर सकता? कांग्रेस का तो चीन पर ज्यादा बड़ा हक है। कांग्रेस तो वैसे भी करोड़ों का फंड ले रही है राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर, और ना जाने चीन से किस किस नाम पर वहां से सौगातें आ रही हैं। तो बस उसी दिन कांग्रेस ने सोच लिया कि अपने नाराज वोट बैंक को पटाने के लिए इससे अच्छा गठबंधन घाटी में और हो ही नहीं सकता। अब चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत ऐसी थोड़े बन गई है, ऐसे एक जैसे चट्टे बट्टों को देखकर ही ये कहावत बनी होगी। अब गुपकार गैंग में शामिल होकर कांग्रेस भी सबके साथ मिलकर ही घाटी में जिला विकास परिषद यानी DDC का चुनाव लड़ेगी। अब कांग्रेस के इस ऐलान के चलते जो चौतरफा हमला उस पर हो रहा है, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कांग्रेस की चाल, चरित्र और चेहरा तो हमेशा से सेकुलर रहा, या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक की चापलूसी करने वाला रहा है। हाँ, अब तक
चेहरा थोड़ा नकाब से ढका हुआ था, पर अब उस चेहरे पर से नकाब पूरी तरह सरक गया है, तो इसमें हैरान और परेशान होने की क्या जरूरत है? इतनी हाय तौबा भी मचाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस वही कर रही है जो वो अब तक इस देश में करती आई है। उसका वोट बैंक जो उससे छिटक कर दूर चला गया था, अब उस वोट बैंक की परवाह तो करनी पड़ेगी ना। वो वोट बैंक जो बेचारा पिछले 60 साल से इनके साथ था, पर पता नहीं कैसे कब कहां इनके हाथ से निकल गया। बिहार में भी तो बेचारी कांग्रेस 70 की 70 सीटें जीतने वाली थी, पर इसी वोट बैंक के खिसक जाने से सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई। ये मेरा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस का आरोप है कि उनके मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी के साथ ओवैसी के गठबंधन ने भी डाका डाला है। तो इसी वोट बैंक को फिर से जुटाने के चक्कर में कांग्रेस ने कश्मीर से केरल तक की यात्रा कर डाली है। अच्छा ये बताइए कि CAA के मुद्दे पर क्या कांग्रेस ने देश हित में बातें कही थी? हिंदुस्तानी मुसलमानों को CAA के नाम पर किसने डराया, धमकाया और बरगलाया था? किसने NRC को लेकर डिटेंशन कैंप की थ्योरी हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेची थी? दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के जितने भी हिस्सों में CAA और NRC को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वो किसकी शय पर हो रहा था? क्या वाकई उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था? हिंदुस्तानी मुसलमानों को भड़का कर क्या कांग्रेस ने देश हित का काम किया था? कांग्रेस के नेताओं के अगर उस वक्त के बयानों पर गौर किया जाए तो हर एक नेता CAA को लेकर जो जुबान बोल रहा था, वही जुबान तो पाकिस्तान भी बोल रहा था। तो क्या देश हित के लिए किए गए CAA के फैसले का विरोध करना देशभक्ति था? उस दौरान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर वहां के TV पर लंबे लंबे डिबेट में हिस्सा ले रहे थे। कितना कुछ वो भारत के खिलाफ बोल रहे थे। PM मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद की गुहार लगा रहे थे। वो क्या था ये समझाने की जरूरत नहीं है। दरअसल कांग्रेस देशहित के मुद्दों को गंभीरता से कभी ले ही नहीं सकती। अगर समझ में आता होता तो पिछले कई सालों में जब कांग्रेस का राज था, तब जिस तरह हजारों किलोमीटर के इलाके पर चीन ने कब्जा किया था, वो इलाका कब का खाली करवा लिया होता कांग्रेस ने। वैसे भी राहुल गांधी कहते हैं कि वो चीनी सेना को 15 मिनट में सीमा पर से धकेल सकते हैं। तो वाकई अगर अपने हित से पहले देशहित का सोचा होता कांग्रेस ने, तो चीन के एम्बेसडर के घर दिल्ली में चाय पार्टी करने से पहले 100 बार सोचते। सालों से चले आ रहे भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद को सुलझाने के बारे में सोचते। लेह लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करने की इजाजत एयरफोर्स को कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं दी थी? वो जगह जिसका इस्तेमाल करके भारतीय सेना चीनियों की खाट खड़ी करने का मादा रखती थी, उस एयर स्ट्रिप को बंद क्यों रखा गया? पुलवामा में CRPF के कॉन्वॉय पर हुए आतंकवादी हमले को ही देख लीजिए। हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधने की बजाय कांग्रेस ने उल्टा BJP को कटघरे में खड़ा कर दिया था। ये आतंकवादी हमला था या नहीं, इसके सबूत मोदी सरकार से मांगे थे। यही नहीं, यहां तक मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि BJP ने चुनाव से पहले अपने ही जवानों को मरवा दिया। और अब उस हमले के करीब 2 साल बाद, जब पाकिस्तान ने इसे इमरान खान सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी बताया है, तब यही कांग्रेस समेत पूरी सेकुलर ब्रिगेड के चेहरे पर काली फूट गई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बातें क्या कांग्रेस को देशभक्त साबित करती है, या ये बातें देशहित में कही गई थी कांग्रेस की तरफ से? यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भी तो कांग्रेस ही मांग रही थी। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले की बात को पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है, लेकिन कांग्रेस ने तो देशहित में लिए गए इस फैसले पर भी राजनीति की थी, इसके सबूत भी मांगे थे। तो जब कांग्रेस इस तरह के संवेदनशील देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, देशहित में लिए गए फैसलों पर इतना शोर मचाती है, तो क्या ये सब देशहित के दायरे में आता है? ऐसे में अब कांग्रेस गुपकार गैंग का हिस्सा बन गई है, तो इसमें वो कुछ भी गलत कहाँ कर रही है? वो बिल्कुल अपनी सोच के हिसाब से ही चल रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती का भारत विरोध तो पहले से ही जग जाहिर है। इस गुपकार गैंग की एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लाना चाहते हैं। PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती को तिरंगा पसंद ही नहीं है, वो उसे उठाना ही नहीं चाहती। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया था कि 370 हटाना अनुचित है। तो ये सारी बातें कांग्रेस के स्टैंड को भी तो साफ कर रही हैं कि धारा 370 को हटाने के मुद्दे पर इन सब की ना सिर्फ राय एक है, बल्कि एजेंडा भी एक ही है।
अनुच्छेद 370 को बहाल करना, ये सब एक राय रखते हैं। बस फर्क यह है कि कोई चीन का प्यादा है तो कोई पाकिस्तान का। इनके स्टैंड में भी कुछ नया नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करके ये पूछना कि क्या वो भारत विरोधी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं, और क्या कांग्रेस पाकिस्तान का भी समर्थन करती है, क्या कांग्रेस चीन के साथ है, क्या कांग्रेस देश विरोधी पार्टी है, वगैरह वगैरह, ये सवाल तो खुद ब खुद बेमानी हो जाते हैं। अब भले ही कांग्रेस बोलकर या बयान देकर अपनी सफाई पेश ना कर रही हो, पर हरकतों को सबूत की जरूरत कहाँ होती है? हाथ कंगन को आरसी क्या? वरना कांग्रेस के अंदर बाहर रहने वाले नेता मणिशंकर अय्यर पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के चक्कर काट काट कर क्या वहां हिंदू धर्म का प्रचार करने जाते हैं? चोर का वो भाई जो चोर का साथ देता है वो भी तो चोरी कहलाता है, इसमें कहां कुछ शक है? अब ये कौन समझाएगा कांग्रेस समेत इस गैंग में शामिल पार्टियों को कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला देश की संसद में बहुमत से पास किया गया था, बाकायदा घंटों की बहस हुई थी, दोनों सदनों में बहुमत से पारित किया गया था ये कानून, इसे जम्मू कश्मीर पर थोपा नहीं गया था। वैसे जो हाल बिहार विधानसभा चुनाव और उसके साथ हुए बाय इलेक्शन में कांग्रेस का हुआ है, उससे तो साफ लग रहा है कि कांग्रेस बौखला गई है और अपने मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पाने की हड़बड़ी में अब वो खुलकर अपना सेकुलर कार्ड खेल रही है। भारत में सेकुलर का मतलब मुस्लिम अपीजमेंट ही होता है और कुछ नहीं। वैसे भी अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो गुपकार गैंग के साथ दाव खेलने में क्या लुट जाएगा कांग्रेस का? क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की छुट्टियां खत्म हो गई हैं या अभी जारी है? यूं ही चलते चलते लगा पूछ लूं आपसे, क्योंकि कई कांग्रेसी नेता भी यही सवाल यहां वहां पूछते नजर आ रहे हैं। 23 नेताओं ने पार्टी के आलाकमान को पार्टी के हाल पर जो चिट्ठी लिखी है उसे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कब पढ़ेंगे? कांग्रेसी बेचारे इसी उधेड़ बुन में डूबे हुए हैं। उधर कांग्रेस ने फिर चलते घराट में हाथ दे दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।